अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कहानी तेंदुए के खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जब बार बार दीदार कराकर तेंदुआ छिप रहा था, तब एक तरह का टेंशन न सिर्फ पुलिस मोहकमा बल्कि आवाम के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। अब गायब हुआ है तो एक तरह से लोग अपने अपने तौर पर कहानियां बना रहे, लेकिन चेहरों पर डर आज भी उसी तरह बरकरार है। और खासकर हनुमान नगर गोल्फ कोर्स एरिया यादव नगर, तकरीबन एक महीने का वक्त गुजर गया, अभी तक तेंदुआ हाथ नहीं आया और अब तेंदुआ अचानक लापता हो गया है। तेंदुए पर कहानियां मीम बनाए गए। सबसे ज्यादा तेंदुए को लेकर खुशी स्कूली बच्चों को हुई, तो जहनी दबाव में फॉरेस्ट मोहकमा के साथ पिछले कई दिनों से तेंदुए के नाम पर छुट्टियों का मजा लेने वाले बच्चों के वालिदैन भी परेशान नजर आए। आखिर तेंदुआ गया तो कहाँ गया, अब इसे लेकर भी कहानियां घटना जारी है। जब कुछ हाथ नहीं लगता तो कहानियां बनाने का पुराना फॉर्मूला रहा है, पर तेंदुआ का मामला जितना अब आसान नजर आ रहा है, संजीदा भी बन सकता है। तेंदुआ मिलने को तैयार नहीं, यहाँ बच्चों की छुट्टियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ऐसी कैफियत बनी हुई है। स्कूल मोहकमा भी बच्चों के सिलेबस को लेकर परेशान है। जाहिर है जिस जगह पर तेंदुआ का बसेरा है वह तकरीबन जगह अमीर लोगों का ही तो है, पर यहाँ सैकड़ों लोग सुबह शाम जॉगिंग वॉकिंग करते रहते हैं, अब इनका भी घूमना मुश्किल हो गया। आप सुबह सवेरे अक्सर देखे होंगे कि कुत्ते को साथ में लेकर तफरी करने वाले बुजुर्ग लड़का लड़की यहाँ कसरत से पाए जाते हैं, पर तेंदुए ने इनका चलना फिरना ही बंद कर दिया है। अब कुत्ते और कुत्ते के मालिक दोनों घरों में बैठे हुए हैं। खैर, अब इस तमाम मामले के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? फॉरेस्ट महकमा का रोजाना 2 लाख से भी ज्यादा खर्चा तेंदुए की तलाश में किया जा रहा है। स्कूलों को लेकर वालिदैन, स्कूल महकमा क्या करे क्या ना करे की कैफियत बनी है। 22 स्कूलों के तकरीबन 10,000 बच्चों की पढ़ाई का मसला सरे फहरिस्त है। ऑनलाइन का सहारा लिया जा रहा है पढ़ाई के लिए। अब कुछ स्कूल वालों ने वालिदैन की इजाजत का खत हासिल कर स्कूलों को शुरू करने का फैसला लिया गया। बच्चों के साथ स्कूल महकमा भी तेंदुए को लेकर संजीदा नजर नहीं आ रहा। मतलब तेंदुआ नहीं मिला, जाहिर है छुट्टी जारी है कि जहनियत बच्चों की बनती जा रही है। पिछले एक महीने के अरसे में महज 2 या 3 बार ही तेंदुओं का दीदार हुआ है। अब तक किसी पर जानलेवा हमले की वारदात भी पेश नहीं है, सिवाय पहली वारदात के, जिसे भी मामूली खरोच कह सकते हैं। लिहाजा सड़क पर सवारियों की नकलो हरकत की वजह से तेंदुआ सड़क और स्कूल के नजदीक जाने के इम्कान बहुत कम होने की बात कहते हुए स्कूलों को फिर से जारी रखना बेहतर होगा, ऐसा आवाम के दरमियान कहते हुए देखा भी जा रहा है। बेलगाम शहर के तेंदुए की खबर ने मुल्क सतह के न्यूज में भी सुर्खियां हासिल की हुई है, पर आखिर में सवाल यही उठता है कि हाथी, कुत्ते, शार्प शूटर्स, 300 फॉरेस्ट मोहकमा, तेंदुओं को पकड़ने के लिए जाले, ड्रोन, ना जाने क्या क्या जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का दावा फॉरेस्ट मोहकमा की जानिब से किया गया, इसके बावजूद भी तेंदुआ अब तक हाथ नहीं लगा, इसका क्या मतलब और इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए? आज फिर इतवार के रोज कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। 27 ट्रैप कैमरे सीसीटीवी में नजदीक में तेंदुआ कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, पर तलाश जारी है। क्या जिस जगह से आया है क्या उसी जगह पर तो लौट नहीं गया? अब अलग अलग जगहों पर नजर आने का दावा तो किया जा रहा है, क्या ये वही तेंदुआ है जो रेस कोर्स में रिहाइश पजीर है या ये कोई और है, ऐसा भी कयास लगा जा रहा है। अभी मंडोली के नजदीक तेंदुआ देखे जाने की बात कही जा रही, तो फिर फॉरेस्ट मोहकमा फिर से एक बार सरगर्म होकर मंडोली की झाड़ियों में तलाशने की कोशिश में लगा हुआ। इतना तो जरूर है कि जहां भी जाता है ये तेंदुआ लोगों को डराता जरूर है, उसमें कामयाब भी होता है और डरना भी जरूरी है। कहते हैं कभी तेंदुआ इंसान पर जानलेवा हमला तो नहीं करता, लेकिन इसकी फितरत है कि ये हमला करता है। ये भी नहीं कह सकते कि वो हमला नहीं करेगा और किसी को नुकसान नहीं करेगा। कई वाक्य पेश आए जिसमें तेंदुए ने इंसान की जान भी ली और जान से मारने की कई वारदातें पेश भी आई है। तेंदुआ इंसानों को मारने के बारे में ही जाना जाता है ऐसा कहते हैं, लिहाजा भारत में कुछ ही सालों में 150 के करीब इंसानों को जान से मारने की वारदातें दर्ज की गई, जिसमें अक्सर खवातीन और बच्चे हैं। लिहाजा ये कहना कि बेलगाम में जो तेंदुआ आया है वो बहुत ही अच्छा है या तो बहुत प्यारा है, ये गलत है। कुछ अनहोनी होने से पहले इसे पकड़ना जरूरी है। आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है, जबकि बेलगाम रेस कोर्स की झाड़ी कोई बहुत बड़ा जंगल नहीं है। इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ खामियां है जिसे कबूल करते हुए ज्यादा जोर लगाकर रोजाना 300 का मोहकमा इस्तेमाल कर महीनों लगाने से अच्छा है और भी ज्यादा मोहकमा को बुलाकर सुबह शाम क्यों ना ऑपरेशन चलाया जाए। आखिर शहर में कब तक ये डर खौफ का माहौल रहेगा? कब तक स्कूलों की छुट्टियां यूं ही जारी रहेंगी? कब तक यूं ही एक तेंदुए पर लाखों रुपये खर्च किए जाएंगे? इन तमाम सवाल तब ही खत्म हो सकते हैं जब तेंदुओं को पकड़ा जाए। कभी मंडोली, कभी हिंडलगा, कभी रेस कोर्स, कभी गणपति मंदिर के पीछे दिखने पर तस्करा करने से
उसे कैसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, इस पर संजीदगी जरूरी है। खुद ही कहानियां बना करके फिर जंगल में चला गया होगा, अब किसी तरह डरने की जरूरत नहीं, कहना ये सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है, क्योंकि तेंदुआ अभी जिंदा है और वो बेलगाम में ही है, इतना जरूर है। रहमान फाउंडेशन नुमानी हॉस्पिटल की जानिब से मुफ्त गायनेक मेडिकल कैंप वो नगर मदनी स्कूल में रखा गया था, जिसमें तकरीबन 100 से भी ज़ायद ख़वातिनों ने इसमें शिरकत फरमाई। नुमानी अस्पताल के माहिरीन डॉक्टरों ने मेडिकल कैंप में अपने खिदमात अंजाम दिए। Good afternoon. I'm Dr. Mukta. I'm consultant obstetrician and gynecologist. Today we have been conducting a free gynec camp for all the underprivileged women who have been unable to access their health. So this is for them who can just come forward and utilize this occasion for free medical camp and checkup. We are screening all the women who are unable to come from their household work and making it available for them. So any women who have problem with irregular menses or who have difficulty in conceiving, infertility issues, or any women with chronic pain abdomen, or people with wide discharge PV, and all high risk antenatal care we have been dealing with, so they can definitely come forward and utilize this opportunity. And we have been thankful for the institute for organizing this camp. I think it has been a very successful one. Thank you. मेरा नाम डॉक्टर फरजाना है, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे हमने आज जो कैंप रखा है नुमानी हॉस्पिटल की तरफ से, वी गॉट लाइक बहुत सारे पेशेंट्स आए, मैक्सिमम पेशेंट्स इनफर्टाइल पेशेंट्स है, लाइक उनकी शादी हो चुकी है लेकिन प्रॉब्लम हो रही है प्रेग्नेंट होने के लिए। 5 साल हुआ है, 6 साल हुआ है, 10 साल हुआ है, फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज भी नहीं है और पेशेंट्स एब्सोल्युटली एजुकेटेड नहीं है, पढ़ लिख नहीं सकते, तो उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो हम लोगों ने कैंप के थ्रू उनको नॉलेज दिया है और बताया है कि ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, स्कैन्स कर सकते हैं और फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ का ट्रीटमेंट है। और थैंक्स टू नुमानी हॉस्पिटल ये कैंप रखा एंड बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ एंड गायनेक पेशेंट्स का भला हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मसर्रत हूँ नुमानी हॉस्पिटल से, जो कि रहमान फाउंडेशन का एक हिस्सा है। हम लोग यहाँ पे फ्री गायनेक कैंप अरेंज किया हुआ है। जो कैंप को अरेंज करने में हनीफ सिद्दीकी साहब ने कॉन्ट्रीब्यूशन का हमेशा ऐसे कैंप अरेंज करने में रहता ही है, और माशाल्लाह से हमारे रहमान फाउंडेशन के ये नर्सिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों ने भी हिस्सा लिया है सबको यहाँ पर कैंप के लिए दावत देने में। यहाँ के इलाके में हर घर घर घूमकर ये बच्चों ने कैंप के बारे में लोगों को आगाह किया है, ताकि वो औरतें यहाँ तक हमारे कैंप तक पहुँच सकें और कैंप का हमारा बेनिफिट उठा सकें। हम लोग यहाँ कैंप में सभी ख़वातीन, छोटे बच्चियों से लेकर बूढ़ी औरतों तक का देख रहे हैं, प्लस प्रेग्नेंट वुमेंस को भी देख रहे हैं। जो भी औरतों की दबी छुपी जो भी शिकायतें होती है वो यहाँ पे आके मतलब अपना बता सके, हम उनको ट्रीटमेंट भी देंगे, साथ में उनको क्या डूज एंड डोंट्स है वो भी बताएंगे, साथ में प्रेग्नेंट वुमेंस है जिनको हम डाइट के बारे में बताते हैं, कुछ हमारे जानिब से फ्री मेडिकेशन भी दिया जाता है, और प्रेगनेंसी के दौरान में क्या केयर लेना चाहिए ये भी सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से नुमानी हॉस्पिटल के हमारे ऐसे आगे भी पहले भी बहुत सारे कैंप हो चुके हैं, और इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ऐसे ही कैंप करते रहेंगे।
और बस खुशी मुझे इस बात की है कि मैं भी नुमानी हॉस्पिटल के और रहमान फाउंडेशन का एक हिस्सा हूँ और मुझे भी खिदमत करने का मौका मिल रहा है। रहमान फाउंडेशन वतियिंद नावु इवत्तु कैंपन आयोजिसलागिदे। नम सर हनीफ सिद्दीकी सर नमगे इदन्न कैंपन आयोजिसि कोट्टिद्दारे। ಇದರಿಂದ ಜನರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಜನರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಜನ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಯಸ್ಕರು ಜನರಿಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. पिछले अगर कुछ महीनों के अगर तस्करा करें तो सड़क हादसों में वैसे भी पूरे रियासत में बेलगाम शहर पहले नंबर पर तो आ ही चुका है. लिहाजा कैंप एरिया में कई सारे हादसे ऐसे पेश आए, स्कूली बच्चे भी इस हादसे का शिकार हो चुके थे. लिहाजा इसी के पस मंजर में कई सियासी लीडरों ने वादे किए थे, पुलिस महकमा ने भी वादे किए थे, ट्रैफिक पुलिस महकमा ने भी वादे किए थे कि यहाँ पर जो है पुलिस को रखा जाएगा, लेकिन अब तक कोई भी नज़र नहीं आया. तो यहाँ के मकामी ताजिरों ने, मकामी आवाम ने, मकामी शहरियों ने यहाँ खुद ही खड़े होकर ट्रैफिक कंट्रोल का काम किया. ये वाकई सराहनीय है, आप देख सकते हैं. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़. अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक टूर है मोहम्मद वली हज व उमरा टूर एंड ट्रैवल्स. इसका हेड ऑफिस आजरा जिला कोल्हापुर और ब्रांच जो है बेलगाम में इफ्तिताह कर रहे हैं. और इस वक्त मैं कारी मोहम्मद अंजर आलम मज़ाहिरी बेलगाम, मेरे रहनुमाई में और रहबरी में एक तकरीबन 40 से 45 लोगों का टूर है जो उम्रा के लिए 9 तारीख को रवाना हो रहे हैं. और इस टूर की खासियत ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हर टूर के साथ में कोई ना कोई आलिम रहनुमाई के लिए, रहबरी के लिए होता है, जिसके लिए सही रहनुमाई होती है. और हज और उम्रा के जो अरकान है अल्हम्दुलिल्लाह सही अदा होते हैं और इसकी सही खिदमत होती है. और हमेशा ये टूर चलता रहे उसके लिए बेलगाम वालों के डिमांड पर, तकाजे पर ये टूर के लिए यहाँ ऑफिस का इफ्तिताह होने वाला है. और एक जो बैच हमारा 9 तारीख को जा रहा है, मैं उसका मुअल्लिम हूँ और रहबर हूँ. इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा.